to my shadow, through the sun ray. Hey guys, welcome or welcome back to my channel. मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ मेरी summer series का second makeup look, जिसे मैं आपके साथ share करने के लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ, क्योंकि मैंने ये मेकअप लुक बहुत जल्दी क्रिएट कर लिया है और इस मेकअप लुक में ज़्यादा कुछ नहीं है. बहुत सिंपल बेसिक सा मेकअप लुक है, ना ज़्यादा बोल्ड लिप्स है ना आईज़ है. बस आईज़ में मैंने थोड़ा सा पॉपअप कलर यूज़ किया है मेरी आई लुक को एनहेंस करने के लिए. तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो एंड तक के देखना. मैं सारे ही प्रोडक्ट का लिंक आपको हमेशा की तरह आज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मैंने ये हेयर स्टाइल कैसे क्रिएट करी है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. सो मैंने अपना CTM कर लिया है और मैंने सनस्क्रीन भी अप्लाई कर लिए. उसके बाद मैं अपने प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का 3-in-1 प्राइमर. ये ऑयल फ्री प्राइमर है और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. इसे मैं अपने टी जोन पर अप्लाई कर लूँगी. मैं अपने आईब्राउज को फिल कर रही हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट. इसका ये ब्राउन शेड लेकर और ग्रे शेड को मिक्स कर मैं अपने आईब्राउज को फिल इन करूँगी. ये बहुत अच्छे से आपके आईब्राउज को फिल करता है, पाउडर प्रोडक्ट है ये. और ये पैलेट मल्टीटास्किंग है, इससे आप स्मोकी आईज भी क्रिएट कर सकते हैं. मैं स्पूली की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. अपने आईब्राउज को क्लीन करने से पहले अपने पिगमेंटेशंस पर थोड़ा सा कलर करेक्शन करूँगी. मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्रो कंसीलर पैलेट इन द शेड 02 और इसका ये ग्रीन कलर करेक्टर लेकर इस पिंपल पर अप्लाई कर दूंगी. जो पिंपल मार्क्स है पर मैं ये ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरे थोड़े बहुत जो भी पिंपल मार्क्स है वो छुप जाए. यहाँ पर मैंने कलर करेक्शन किया, इसे मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड आउट कर दूंगी. और इस पर अब मैं येलो कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी ताकि ये इवन हो जाए. मैं येलो कलर करेक्टर अपने उंगली से ही ले रही हूँ, इससे मैं न्यूट्रलाइज कर दूँगी ग्रीन को थोड़ा सा और थोड़ा सा रेड को भी. इसे भी मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी. हम देख सकते हैं मेरा पिंपल मार्क काफ़ी हद तक छुप गया है. अपने ब्राउज को क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कंसीलर मिस क्लेयर का फुल कवरेज मेकअप इन दी शेड 8 स्किन बेज. मैं अपने आईलिड पर भी अप्लाई करूँगी कंसीलर और अपने ब्राउज को इससे अच्छे से क्लीन करूँगी. अब मैं इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. जो भी हमने आइस के लिए बेस बनाया है वो ख़राब ना हो, इसलिए मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट. और इससे मैं अपनी आईलिड को पाउडर करूँगी क्रीज लाइन, क्योंकि बहुत जल्दी पड़ जाती है, वो नहीं पड़नी चाहिए इसलिए. अब मैं अपने आई मेकअप के लिए टेप अप्लाई करूँगी. मैं बहुत हल्का सा आई मेकअप करने वाली हूँ आज, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी आई मेकअप में. मैं अपने आईलिड पर ट्रांजिशन शेड देने के लिए यूज़ कर रही हूँ SFR का ऑरेंज यूक्लैड पैलेट. इसका ये क्रिमजन शेड लेकर अपने ओवरऑल आईलिड पर अप्लाई करूँगी. मैं इसे इस बिग फ्लफी ब्रश पर लेकर अप्लाई कर रही हूँ मेरी ओवरऑल लिड पर. बहुत हल्का हल्का कलर देना है मुझे, ज़्यादा कलर नहीं देना है मेरी लिड पर. देख सकते हैं कितना सटल सा एकदम नेचुरल मैंने आई मेकअप किया है, जो मैंने ट्रांजिशन शेड यूज़ किया था वो वाला. उसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, कलर एसेंस का लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं ये. इससे मैं विंग बनाऊँगी, मैं इससे विंग क्रिएट करूँगी. सॉरी, मैं विंग क्रिएट करते टाइम बात नहीं कर सकती. विंग क्रिएट करके एक
शार्प लुक दे दिया है मेरे कंसीलर के हेल्प से। मैं सबसे पहले अपना फेस क्रिएट करूँगी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट फाउंडेशन Maybelline का द फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128 वार्म न्यूड। इसे मैं अपने बैक ऑफ द हैंड पर लेकर फेस पर अप्लाई करूँगी। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको नेक और ईयर्स को बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अपने अंडर आई एरिया पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में, और अपने फॉरहेड पर भी, मेरे पिंपल मार्क पर भी, क्यूपिड बो पर और चिन पर भी। मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। और के लिए मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्रो कंसीलर पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं अपने फेस पर कॉन्टोर करूँगी। नोज़ पर भी, इसे भी मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अपने अंडर आइज में पाउडर कर रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लूज पाउडर। इससे मैं अपने अंडर आइज में पाउडर करूँगी, कोई भी क्रीज लाइंस ना पड़े। आप ज़्यादा पाउडर मत करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पाउडर करेंगे तो आपका मेकअप केकी लगेगा। इनर कॉर्नर को थोड़ा सा पॉप करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ऐसे पार का ट्रैवल मिनी आईशैडो पैलेट। इसका मैं ये लाइट ब्लू शेड लेकर इससे मैं अपने इनर कॉर्नर को थोड़ा सा पॉपअप लुक दूँगी। जस्ट मैं इसे अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ। पॉप होकर आ रही है मेरी इनर कॉर्नर्स, और मैंने इसका एक ही स्वाइप लिया, अभी तक के वो प्रोडक्ट ख़त्म भी नहीं हुआ है। मेरे इनर कॉर्नर्स पॉप हो चुके हैं। अब मैं लाइनर से इसमें फॉक्सी लुक बनाऊंगी। और अब मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ काजल। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल। लोअर लैश लाइन में काजल अप्लाई करूँगी। अब मैं ये आई शेडो पैलेट का ब्राउन शेड लेकर इसे स्मोक आउट करूँगी थोड़ा सा। कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का द ग्लॉसिल मस्कारा। सबसे पहले मैं इसे अपने अपर लैश कोट करूँगी। लिपस्टिक लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वॉकी का प्लेस मी फर्स्ट 14 नंबर शेड। इससे मैं अपने लिप्स को आउटलाइन टाइप करूँगी। इनर कॉर्नर को फिल करूँगी, सॉरी आउटर कॉर्नर्स को। यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की इंटेंस मैट लिपस्टिक इन दी शेड रूबी रेड 311। इसे मैं सिर्फ अपने मिडल ऑफ द लिप पर अप्लाई करूँगी, फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माई बेकअप ब्लिंकिंग आई शेडो इन दी शेड क्विंस 07। इससे मैं अपने चीक बोन को हाईलाइट करूँगी। हल्का हल्का सा ब्राउ बोन को हाईलाइट करने से एकदम लिफ्टेड लुक मिलता है आपके ब्राउज को। थोड़ा ओके, सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक। आई होप आपको आज का मेकअप लुक अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल बटन को भी हिट कर देना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं सारे ही प्रोडक्ट का लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, उन्हें वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और मैंने ये हेयर स्टाइल कैसे बनाई है इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी इसकी,
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।